हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल सबके? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आई होप आप सब भी खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े से होंगे। और जहाँ भी हमारे भाई बहन जो परेशानियों में मुब्तला है, अल्लाह उन सब की परेशानियाँ दूर करे, सबको खुश रखे, आमीन। वेलकम टू माई चैनल, मैं ज़ीबा खान। एक दिन पहले ही, कल ही डाली हूँ अपने इंट्रोडक्शन वीडियो, आई होप आप सब देखे होंगे। और नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर आपको अच्छी लगी तो। मैं अपनी डेली ब्लॉग्स आपके सबसे अब शेयर करूँगी। तो चलिए थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देती हूँ अपनी। मेरा नाम ज़ीबा खान है। मैं अभी फ़िलहाल 3-4 मंथ्स हो गए मुझे अबू धाबी में। इंडिया से हूँ, जमशेदपुर। और हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, तो ऑफकोर्स मैं आई भी हूँ बच्चों के साथ। बस यही है। अभी यहाँ अबू धाबी का मौसम बहुत अच्छा चल रहा है। इधर सुबह सुबह एकदम अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। और अभी इंडिया में भी, इंडिया में वहाँ के भी मौसम चेंज हो रहे हैं। और बस मौसम चेंज होता है तो सब कुछ थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। अभी रात का 2 बज रहा है। बस रात का 2 बज रहा है और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी कर रही हूँ। बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ कि व्लॉग बनाओ व्लॉग बनाओ, बट वो एक हेजिटेशन रहता है ना, डर सा लगता है, क्या बात करूँ, कैसे कैमरे को फेस करूँगी, कैसे कैमरे पे बात करूँगी। बस इसी वजह से बहुत हर दिन टल रहा है, टल रहा है। हर दिन सोचती हूँ आज कुछ ये सब काम कर लूँ, आज फ्री टाइम निकाल करके आज स्टार्ट करूँगी, बट अगेन फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है, दिन ख़त्म हो जाता है और मैं सोचती रह जाती हूँ। आज तो मैं सोच ली कि आज रात भी क्यों ना हो जब मैं स्टार्ट कर दूँगी वीडियो। आई होप आप लोगों को भी मुझसे मिलके अच्छा लगा होगा। तो चलिए आपको मैं नाइट व्यू दिखाती हूँ अबू धाबी की। हाँ, तो चलिए हम नाइट व्यू आपसे शेयर करते हैं अबू धाबी की, मुसफ़ा की। आज तो वीकेंड है तो सब सन्नाटा हो भी गया है रोड, बट अगर वीकेंड नहीं होता ना फिर तो देखना था। यहाँ 3:30-4 बजे तक, 3 बजे तक तो बेसिकली, 3-3:30 तक तो गाड़ियाँ आराम से दिखती रहती हैं। तो जैसे कि मैं बताई आपको, रात का 2 बज रहा है। तो अब चलते हैं, सोते हैं, बिल्ला देखते हैं कहाँ की प्लान है। ऐसे शायद दुबई जाने का प्लान हो रहा है, वीकेंड है तो हम लोग वीकेंड पे कहीं ना कहीं चले जाते हैं। तो चलिए कल, फिर कल बताएंगे कि कल कैसा दिन रहेगा, कहाँ जाएंगे, इंशाल्लाह आप सबको ज़रूर शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेडी हो गई हूँ, बस अभी हम लोग निकल रहे हैं। बहुत देर हो चुका है, प्लान तो था 8:30-9 बजे तक जाने का, इनफैक्ट 9 बजे तक निकल जाने का प्लान था, 10:30 हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ नकाब पहनने। सलाम कर दीजिए बेटा। सलाम वालेकुम। बस अब हम लोग गाड़ी के पास आ गए हैं, जा रहे हैं बैठने। बस अब हम दुबई इंटर कर चुके थे और वहाँ के रोड्स बहुत ही अच्छे हैं। और वहाँ रोड मतलब व्हीकल की स्पीड जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। लाइक अगर जैसे अबू धाबी में 120 पे होता है तो वहाँ का 140 माना जाता है। इसलिए जल्दी बोलो। देखो तो भैया कितना अच्छे से बोला। यहाँ के रोड्स और कुबरी चेक करें, बहुत ही अच्छा रोड है इधर का। और ट्रैफिक भी बहुत ध्यान से रोड पे गाड़ी चलाना होता है, पूरा मैप पे फॉलो करना पड़ता है, लेन्स को फॉलो करना होता है। और बस अब हम लोग इधर इब्ने बतूता मॉल के रोड पे आ गए थे। बस अभी हम लोग इब्ने बतूता पहुँचे हैं, अभी पार्किंग में हैं। अभी हम लोग इतने बतूता मॉल जा रहे हैं। वाह, ये कितना प्यारा सा क्रिसमस ट्री बना है दोस्त। ये होम सेंटर टाइप्स कुछ, होम अस। यहाँ सिर्फ फर्नीचर्स हैं, बड़ा ही प्यारा सा।
इतना खूबसूरत है इसके अंदर। वाह ये देखो क्लाउड भी पूरा फॉर्म किए हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है। रूम वन जोन, कितने अच्छे टॉयज हैं, सॉफ्ट टॉयज, मुझे बहुत पसंद है सॉफ्ट टॉयज। मेरी भी फर्स्ट विजिट है। ये इब्ने बतूता का एंट्रेंस में एक मॉल जो हम लोग क्रॉस किए उसके बाद ये मिडिल में था, इसमें एलिफेंट के स्ट्रक्चर बनी हुई है, इसमें इब्ने बतूता का वो एलिफेंट क्लॉक बना हुआ है। बताओ ना ये एलिफेंट है क्या है? एलिफेंट पे बैठना है तुमको? मना बैठना है, जल्दी बताओ बैठना है तुमको? डर नहीं लगता है? नहीं। देखो वो अंकल बैठे हुए हैं, देखो ये अंकल लोग बैठे हुए हैं ना, इनको देख के डर नहीं लग रहा है तुमको? स्टैचू है। ओके ये जो परफ्यूम्स वाले लोग हैं ना ये बड़ा एडवर्टाइज करते हैं अपना, ज़बरदस्ती रोक करके मैम प्लीज़ ट्राई दिस। इन लोग तो ब्रेक ना कर। देखो उधर एक बोट बना हुआ है आमिर। अच्छा शाहरुख से। वो ये कैफे एरिया बड़ा अच्छा बनाया है। इधर की इंटीरियर्स ना वो चाइना जापान वाली कुछ लग रही है। रोना स्टार्ट हो गया। मैंने क्यों रो रही हो? कहाँ बैठना है? नहीं नहीं वो कैफेटेरिया बेटा, उधर जो हप्पा खाते हैं ना उन लोग बैठते हैं। आ जाइए इधर आइए। मना मना तो इब्ने बतूता मॉल में बहुत कुछ खास नहीं है, बट कुछ कुछ फोटो के स्पॉट है बोल सकते हैं। इब्ने बतूता का सामने जो स्टैचू बना हुआ है वो हम लोग पूरे ग्रुप में आए हैं यहाँ पे। देखो सुपरमैन आ गया। क्या चीज खेलने वाले? चलो हटो हटो हटो। अरे वाह मेरा प्यार बच्चा लोग आने वाला है ना। तो ये क्रिसमस की भी तैयारी की जा रही है। अच्छा यहाँ बताओ सांता क्लॉज कहाँ है, जल्दी बताओ। वे सांता क्लॉज? यस। तो दुबई आए तो मेट्रो में ज़रूर घूमें, मेट्रो से व्यू ज़रूर लें दुबई की। इसके लिए आपको पहले नॉल कार्ड बनाना होता है, उसके बाद आप मेट्रो में कहीं भी जा सकते हैं। इधर देखो ओफो। ये पूरे मार्बल्स से बनाया, छोटा छोटा मार्बल्स को कट करके बड़ा खूबसूरत ही बनाया। हम लोग यहाँ पे मोनोरेल का वेट कर रहे हैं, सब वेटिंग में हैं।
लाइन लगी हुई है टिकट के लिए। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर गोइंग टू विजिट टुडे, पाम जुमेरा। शहजैब ऊपर आओ, खड़े हो। मना भैया कहाँ है? हाँ, मजा आ रहा है। कितना प्यारा सा पार्क है यहाँ बच्चों के खेलने के लिए। मना यू टू गो इनसाइड, थैंक यू, गो इनसाइड मना। द पॉइंट में अंदर में ही बच्चों का एक छोटा सा पार्क था जहाँ वहाँ बच्चे बहुत मज़े किए, बहुत खेले, सब थक गए थे इन लोग। गेट व्यू ऑफ जुमेरा बीच लेना है, उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग निकलेंगे, मेट्रो से ही निकलेंगे क्योंकि हम लोग अपनी कार पार्क करके आए हैं वही इब्ने बतूता मॉल में, तो फिर वहीं जाते वहीं जाएंगे, अपनी कार लेंगे, देन फिर हम लोग निकलेंगे फिर बैक अबू धाबी के लिए। ये चेक एट द पॉइंट, ये नाइट व्यू चेक करें। हाँ देखिए गेम चल रहा है,
ओके बाय बाय द पॉइंट। अब जा रहे हैं, रात का वक्त है, कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ। सफ़र ख़त्म होती है यहीं पर। अब हम अपने घर को रिटर्न हो रहे हैं अबू धाबी। बस रास्ते में है, सबका थक कर बुरा हाल हो गया है। यहाँ घूमने जाओ तो फिर बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है। इतना सब थक गए हैं कि मुझे तो हिम्मत नहीं है कि मैं इंशाल्लाह कि आगे की एडिटिंग में मुझे एक दिन लगने वाला है। और इंशाल्लाह मैं ट्यूसडे को आपके साथ इस वीडियो के साथ मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, एंड प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।